हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज 25 फरवरी है और हम आज अपना डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले बात, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों ने कमेंट्स किए और कई अच्छे सुझाव मिले हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे जो व्यूज़ हैं वो जितने ज़्यादा हो सके इंक्लूड किया जाए और इसमें और सुधार किया जाए। तो तब तक हमारा ये प्रिलिम्स डिस्कशन जारी रहेगा। आप सबका धन्यवाद। कई लोगों ने काफ़ी काफ़ी अच्छे और कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स किए हैं, सो हम कोशिश करेंगे कि इन सबको इंक्लूड किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आते हैं कि जो हमारा 25 फरवरी का डिस्कशन है, इसमें हमारे पास जो हिंदू में उसमें ज़्यादा आर्टिकल थे नहीं। आज एक आर्टिकल था जो गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल लाया कि 500 वर्कर्स, ठीक है, 500 वर्कर्स तक, अगर आप पास 500 वर्कर्स तक हैं तो आप बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, ठीक है, परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी और आप कंपनी अपनी बंद कर सकते हैं। अभी तक क्या इश्यू है, यू कांट शट योर शॉप, मतलब अपनी दुकान आप बंद नहीं कर सकते। अगर कोई भी एक कंपनी इंडिया में आती है, सो इफ दे उनके पास अगर 100 वर्कर तक हैं, ठीक है, अप टू 100 वर्कर्स, तभी वो सीधा अपना क्लोजर कर सकते हैं, मतलब दुकान बंद कर सकते हैं। अदरवाइज उनको कंपनी बंद करने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, चाहे उनकी कंपनी कितनी भी घाटे में क्यों ना चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट अभी तक जो इंडिया में चल रहा है वो है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इसके तहत आप 100 लोगों से ऊपर जैसे आपके पास होते हैं तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ी गवर्नमेंट से। इकोनॉमिक सर्वे ने एक पॉइंट उठाया था अराउंड लास्ट ईयर, इस साल का तो नहीं, पिछले साल के सर्वे में पॉइंट था एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल इश्यूज, ठीक है। तो अगर हम इसे गौर से देखें तो दो चीज़ों का इशू होता है, एंट्री प्लस एग्जिट। आपको पहले एंट्री लेवल इश्यूज हैं इंडियन इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था में एंट्री की प्रॉब्लम है, फिर एग्जिट की प्रॉब्लम। एंट्री की प्रॉब्लम ऐसे कि आपको घुसने के लिए रेड टेप है, ठीक है, तो रेड टेप हो गया, आप एंटर नहीं कर पाएंगे। रेड टेप के बाद आपको वहाँ पर बहुत सारी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, कई लोग जैसे कि लाल फीताशाही कहते हैं, या फिर कहते हैं कि परमिशंस बहुत लेनी पड़ती है, बहुत सारे क्लियरेंस नहीं मिलते हैं, लैंड बिल है, ये सारा इशू आपको एंट्री पर रोकता है, ठीक है। ये एंट्री पे इशूज़ हो गए और फिर आपको इशूज़ होता है एग्जिट पे, तो आप निकल ही नहीं सकते, कंपनी बंद ही नहीं कर सकते, घाटे पे जो नुकसान किया। तो ये जो है 500 तक एक्सपेंड करने का जो रिकमेंडेशन लेबर मिनिस्ट्री ने दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे कंपनीज आसानी से बाहर निकल पाएंगी बिजनेस से जो घाटे में है, तो उनको पता चलेगा अच्छा यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया तो बहुत बेहतर रहेगा ये। और अभी जो डेटा है वो, इनका कहना ऐसा क्यों है, देखिए सीधी सी बात है, ट्रेड यूनियंस जो है उसके खिलाफ आएंगी। अभी तक क्या हुआ है, कई बार पहले भी कोशिश हुई है पर ट्रेड यूनियंस इसके खिलाफ भड़क जाती हैं। तो इस बार इनका एक डेटा है जो कहता है 99% जो टोटल पिछली नन एग्रीकल्चर जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जो भी कंपनियां थी, उनमें 100 वर्कर से कम थे और उन सबको अलाउ कर दिया था दुकान अपनी जो बिजनेस उनको बंद करने के। देखिए सीधी सी बात है, कोई कंपनी चल नहीं रही तो आप कुछ कर नहीं सकते उसका, ठीक है। अब जैसे अगर आप एग्जिट पॉलिसी इजी बना पाएंगे तो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी, गवर्नमेंट सबको बंद करने दे ही रही है, आप जा ही सकते हैं, आपको उसको लॉस लगा के बिजनेस कर नहीं सकता तो वो फायर करेगा ही। तो इसलिए इनका ये कहना है कि भाई जब आप कर ही नहीं पा रहे हो तो क्यों ना इसको चेंज कर दिया जाए। इससे पहले अराउंड 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, कोशिश की गई थी ड्यूरिंग इमरजेंसी किसी तरह इसको चेंज किया जाए, पर वो हो नहीं पाया था क्योंकि 100 वर्कर्स, सोचिए इतने टाइम से 100 वर्कर की लिमिट है, इससे ऊपर अपने 100+1 हो गया तो अब गवर्नमेंट परमिशन, मतलब फिर आप जाएंगे डिपार्टमेंट्स के पास और बहुत सारे इश्यूज आएंगे, तो उन सबको सॉल्व करने के लिए एक तरीका है ये करना। बट इससे पहले अब इसको रिकमेंड किया जाएगा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीओएम के पास, ये डिस्कशन होगा, तब पता चलेगा कि ये बंद हो भी सकता है या नहीं। पर आप खुद ही सोचिए कि अगर ये होगा तो बहुत बेहतर होगा लोगों के लिए। हालांकि अभी ये सिर्फ रिकमेंडेशन है तो कुछ टाइम में पता लगेगा, पर इंपॉर्टेंट है इस परस्पेक्टिव से भी। अब देखते हैं इंडिया का पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा था, परम। हम सबको पता है परम इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसने इंडिया को काफ़ी हाई फाई प्रोफाइल पे पहुंचा लिया था, पर हाल ही में इंडिया नया सुपर कंप्यूटर लाने वाली है जिसकी कैपेसिटी होगी 10 पेटाफ्लॉप्स पर सेकेंड आई गेस, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि ये किसके किसके द्वारा ज्वाइंटली होस्ट की जाएगी, इंपॉर्टेंट है। एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, ठीक है, और दूसरा नेशनल सेंटर ऑफ मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग इन नोएडा। ये दो चीज़ें हैं जहाँ इंडिया का नया सुपर कंप्यूटर जो अगले 10 1 महीने के अंदर लॉन्च होने वाला है इसे रखा जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसके लिए गवर्नमेंट ने 400 करोड़ रुपीज़ सेंक्शन किए हैं और ये मानसून फोकस्टिंग में हेल्प करेगा इंडियन गवर्नमेंट की। अभी प्रेजेंटली दो देश इसमें बहुत आगे चल रहे हैं, एक है यूएसए और ऑफ कोर्स दूसरा हमारा बड़ा भाई चाइना। ये दो कंट्रीज जो हैं
ये बहुत ज़्यादा सुपर कंप्यूटरिंग कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आगे निकल चुकी है। जापान का भी नाम इसमें आता है, पर ये दो मेनली प्राइमरली इस रेस में बहुत आगे हैं। अभी जैसे टीहान वन था जो अभी तक का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कुछ टाइम पहले तक था, फिर जापान ने उसको ओवरटेक किया था। तो जैसे ये टीहान ही था चाइना का, इसने क्या किया है कि चाइना ने हाल ही में डिक्लेयर किया वो एग्जा स्केल सुपर कंप्यूटर बना रहा है, मतलब सुपर सुपर कंप्यूटर, ठीक है, कि सुपर कंप्यूटर से काम चल गया। ये इतना होगा कि 2020 में आ जाएगा, तो ये 200 गुना ज़्यादा पावरफुल होगा दुनिया का पहले पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर से। देखिए सुपर कंप्यूटर्स में एक बात होती है पेटाफ्लॉप बैरियर, कि पेटाफ्लॉप तक तो बहुत सारे सुपर कंप्यूटर आए पर उसके बाद नहीं बढ़ पाए। इंडिया एक टाइम में टॉप 10 में हुआ करता था, टॉप 10 में था, अराउंड 9 नंबर पे था सुपर कंप्यूटर्स में, बट देन हाल में जो हुआ इंडिया के बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स उतने फास्ट नहीं हो पाए। तो अभी जो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है वो भी पुणे में ही है, इसी ने डेवलप किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल मेट्रोलॉजी। क्योंकि बात यह कि इंडिया को ज़रूरत क्या है, मानसून फोकास्टिंग वेदर फोकास्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट है वो इन सब का ध्यान रखे और कोशिश करे कि ज़्यादा ज़्यादा फंड हो। 400 करोड़ का फंड है, अब इसमें दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर तो नहीं बना पाएंगे ऑब्वियसली, तो ये कोशिश है कि इसको कंट्रोल किया जाए। देखिए इसमें प्रीलिम्स के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया बनाने वाली है 10 पेटाफ्लॉप से ऊपर की सुपर कंप्यूटर, ठीक है, इतना याद रखिए 10 पेटाफ्लॉप्स ये बनने वाला है और कुछ दिनों में आने वाला है इंडिया में। तो ये कुछ स्टैब्लिश न्यूज़ नहीं है, पर फिर भी हम करेंगे आगे इस पे न्यूज़ बनेगी। आगे एक था टॉम ऑफ मकबूल खान, मकबूल खान की टॉम है निज़ामुद्दीन में, ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है निज़ामुद्दीन बस्ती में, यहाँ पर इनकी टॉम है। ये कौन है भाई साहब, ये है वज़ीर फ्रॉम वरंगल, ये जो आप देख रहे हैं ये है इनका टॉम। टॉम यहाँ ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बस यह है नहीं ऐसा, बहुत ही खस्ता हालत में है। और ये वारंगल के वजीर थे, फिर जब फिरोज शाह तुगलक ने अटैक किया या फिर किसी और टर्क ने अटैक किया होगा तेलंगाना के रीजन में, ठीक है, तो इधर बाद धर्म परिवर्तन कर लिया और ये बन गए मकबूल खान, या फिर खाने जहान तेलंगी, जिनके दो नाम हैं, ये दो नाम हैं इनकी जो ग्रेव है इसको रिस्टोर करेगी आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले आगा खान ट्रस्ट ऑफ कल्चर हमारे हुमायूं टॉम को भी इसने रिस्टोर किया है। अब खास बात ये हुमायूं टॉम अगर आप कभी देखने जाएं, अगर आप दिल्ली में हैं तो निजामुद्दीन के जस्ट पास में ही है और बहुत खूबसूरत टॉम में, तो फिरोज शाह तगलक के अंदर ये वजीर बने, प्राइम मिनिस्टर बने। इसके मकबूल खान की दो चीज़ें पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर गलती से में आ गया ये, तो एक तो ये वजीर थे, ठीक है, किसके, फिरोज शाह तुगलक के, थे कहाँ से, साउथ से थे, फिरोज शाह तुगलक के वजीर थे। और इन्होंने कहा था कि भाई आप कुछ टाइम के लिए फाइनेंस मिनिस्टर रहते, तो इन्होंने कहा था कि आप जो अपने लोन से वो डिस्ट्रॉय कर दीजिए, और पब्लिक रिकॉर्ड जला दिए थे इसी के कहने पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है गवर्नमेंट के हिसाब से, और सॉरी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कि हम कहना चाहेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये एक छोटा सा पीरियड था हिस्ट्री में जब किसी ने पब्लिक रिकॉर्ड्स जलाए थे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, दो तुगलकों के बारे में कहा जाता है कि एक सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रूलर्स रहे थे। ज़रा कुछ करना नहीं है, टॉप ऑफ मकबूल खान कहाँ है, निज़ामुद्दीन में, इसका एक और नाम क्या था, खाने जहान तलंगी, और क्या था ये, तो फिरोज शाह तुगलक के वजीर थे जिसने कहा था कि आपको एक डिस्ट्रॉय करनी चाहिए डेट्स, क्योंकि फार्मर्स लोन माफ़ किए थे इसने, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसको कौन इसका रिस्टोर कर रहा है, वो है आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर। अब देखते हैं, देखिए आज के हिंदू में इतना ही था, और खास बात आज की पीआईबी में कुछ नहीं है अभी तक जो अपडेटेड है, 5 या 6 न्यूज़ है जो हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। इससे अच्छा हमने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना है, तो क्या किया जाए, तो हम करेंगे, हम सेप्टेम्बर का रिविजन कर लेंगे एनवायरमेंट के कुछ हिस्से का, जैसे हम कल कर रहे थे इंटरनेशनल कन्वेंशंस, सॉरी इंटरनेशनल जो मीटिंग्स हुई थी उनके बारे में। तो अब कुछ एनवायरमेंट दो तीन सेक्शन थे जो इंपॉर्टेंट था, देखिए जैसे DMH 11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, ठीक है, ये है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स ने डेवलप किया था। याद रखिएगा ये नाम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा था धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, क्योंकि देखिए मस्टर्ड की जो प्रोडक्शन है वो गिरती जा रही है इंडिया में, मस्टर्ड प्रोडक्शन जितना होना चाहिए उतना रहा नहीं, ठीक है, तो हाइब्रिड आने के बाद ये बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉटन है, कॉटन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा जैसे हमने हाइब्रिड इंट्रोड्यूस किए। तो जो भी जीएम क्रॉप्स आती है, ठीक है, जीएम क्रॉप्स सर इशू क्या होते हैं, 3 तरह के इशू होते हैं। पहला कि फॉरेन कंपनीज, ठीक है, विदेशियों द्वारा बनाई जाती है। दूसरा मोनोपोली, ठीक है, और तीसरा
एक्सप्लॉयटेशन, मतलब देखिए, एक तो विदेशों द्वारा बनाई गई है, दूसरा उस पर मोनोपोली हो जाएगी तो इंडियन फार्मर्स को बहुत महंगे रेट पे मिलेगी, तीसरा किसानों को एक्सप्लॉयटेशन होगी, वो बीज दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हमारे जो परंपरागत कृषि है उसके द्वारा क्या होता है कि एक ही आप चीज़ उपजाते हैं उसको बाद में उपयोग कर पाते हैं। तो इस जब ये मस्टर्ड डेवलप किया गया, ऑफकोर्स सेफ्टी कंसर्न तो है ही जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी कंसर्न को हटा दिया जाए तो इसको छोड़ते हुए ये हटा दिया जाए तो ये तीन चीज़ें प्राइमरी प्रॉब्लम थी क्रॉप्स में। तो अब ये बात है कि देखिए ये कहाँ से बना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बना है तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी भी, सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन का है तो आप इसकी अच्छे से टेस्टिंग कर पाएंगे। तो आपको सेफ्टी का कंसर्न अगर नहीं रहा, सेफ्टी अगर नहीं रहा तो आप इसको आराम से सस्ते में लोग बांट सकते हैं, एक्सप्लोटेशन नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट की बनी हुई क्रॉप होगी तो रिजनेबली प्राइस्ड होगी, आराम से रेट पर मिलेगी। पर इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के पास पहले भेजा जाता है कि भाई ये जो क्रॉप होगी, जो भी खाने योग्य जेनेटिक क्रॉप है, क्या ये कार्य काम में लाई जा सकते हैं या नहीं। जैसे जीएम से कई लोगों को बहुत दिक्कत है, उनका मानना है इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती है भविष्य में, हमें पता नहीं है, जीएम जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है वो नहीं करनी चाहिए। होता क्या है, एक फसल अगर होती है, मान ली फसल है, इसके कुछ जीन होते हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, जैसे ये एक जीन है यहाँ, ये जीन यहाँ से हटा दिया, ठीक है, इसकी जगह कोई और जीन कहीं से लैब रख दिया, तो इसके बाद क्या होगा, ये किसी एक पर्टिकुलर पेस्ट से या किसी कीटाणु से की प्रतिरोधक क्षमता इनके अंदर आ जाती है, ठीक है। इसे जेनेटिक जीन एडिटिंग कहते हैं, जीन एडिटिंग। तो जीन एडिटिंग क्रॉप में करके आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाते हैं, जीएमओ, ठीक है। अब जीएमओस बनाने के बाद आप उसको मार्केट में लाते हैं, जो आपकी फसल है वो रेसिस्टेंट होती है, मतलब कई चीज़ों को झेल सकती है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, फ़ायदा होता है लोगों को। तो ये जो DMH11 थी, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की थी और इसने दो प्रोटीन इंक्लूड किए थे, बार्नेस और बारस्तर। ये दो प्रोटीन इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्रोटीन्स थे जो इंट्रोड्यूस किए थे, कहाँ पर DMH1 को डेवलप किया गया था और इसको किसी भी जीएम क्रॉप को आपको अप्रूवल कैसे मिलता है। देखिए, आपने जीएम क्रॉप बनाई, अप्रूवल के लिए आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कमेटी के पास को भेजेंगे, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। इसने क्लियर कर दिया था जीएम मस्टर्ड को पिछले साल, ठीक है, कि ये नन पैथोजेनिक बैक्टीरिया था, नन पैथोजेनिक था मतलब कुछ इससे टॉक्सिक नहीं था, बहुत सही था ये, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने। इंडिया में हमेशा से ही जिसे कहते हैं तलहन, ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन की दिक्कत रही है, तो उसको सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी है। पर हुआ ये कि इसका काफ़ी विरोध चला और अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने इसको फिर अटका दिया कि भैया आप नहीं कर सकते इसका प्रोडक्शन, हालांकि ट्रायल के लिए हुआ था। और देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, आपने जीएम बनाया, कोई भी जीएम क्रॉप बनाई, जीएमओ बनाया, देखिए जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक, पॉपुलेशन इज ऑन द राइज, तो आपको करना क्या, आपको किसी भी तरह कुछ ऐसा करना है जिससे प्रोडक्शन बढ़े, ठीक है। तो इसके लिए आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, तो सबसे पहले आपने कुछ बनाया, फिर आप उसको यहाँ भेजेंगे और उसके बाद ये जो आपकी कमेटी डिसाइड करेगी कि इसको रिकमेंड करना है कि नहीं। जैसे DMH1 को, 11 को इसने कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए रिकमेंड कर दिया था और बाद में इसको अप्रूव करती है कौन, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, इसका डिस्क्रिप्शन होता है फाइनल। तो DMH11 में पहले यस हुआ, फिर यस हुआ, मतलब पहले GAC ने इसको हाँ भरा, कहा ठीक है कर लो, फिर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री करना, फिर प्रेशर बना, फिर उन्हें कहा कि नो अभी और ट्रायल लेने चाहिए। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे जाके क्या इशू होगी। जो कॉटन के बारे में कहा जाता है, कॉटन एक हाईली सक्सेसफुल, कॉटन हाईली सक्सेसफुल अभी तक रहा है जीएमओ कॉटन, जिसने काफ़ी प्रोडक्शन बढ़ाया इंडिया का। पर समस्या ये है कि जो जीएमओ है, जो बाहर से आते हैं फॉरेन जो जीएमओज हैं, आपको पता नहीं कि कौन सा क्रॉप जीएन है और कौन सा नहीं है, तो आप खा रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, आपको पता भी नहीं है। तो वो फिर रूल्स पिछले साल गवर्नमेंट ने टाइट किए थे, तो जाके हमें पता चलेगा अब आगे क्या हो सकता है। तो आगे देखते हैं सेप्टेम्बर रिविजन में, सेप्टेम्बर में इंडियन साइंटिस्ट डेवलप टू सेट ऑफ इंडिजिनियस ट्रांसजेनिक इवेंट्स इन कॉटन कल्टिवेशन। देखिए, अब कॉटन कल्टिवेशन की मैंने बात की, जो बहुत फेमस है कॉटन कल्टिवेशन जीएमओ के लिए, कॉटन कॉटन जीएम सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इन्होंने एक नया मोसेंटो सीड, जिसने लगभग मार्केट में पूरा कब्जा कर लिया है। देखिए, मोसेंटो एक कंपनी है जिसके सीड्स थे कॉटन के। अब मोसेंटो का क्या है कि ये टर्मिनेटर सीड्स हैं, मतलब आप एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक, टर्मिनेट, उसके बाद ख़त्म हो जाते हो। तो फिर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स ने ही इसके लिए दो इंडिपेंडेंट इवेंट बनाए हैं, जिसमें क्राइक जीन का यूज़ किया गया। क्राइक जीन, जीन का नाम याद नहीं करना आपको, बट पता होना चाहिए, पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। देख लीजिए, मोसेंटो सीड्स हैं, क्राइक वन जीन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने सेंटर ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स ने इसको बनाया और ये आइसोलेट किया जाता है बेसिलस
थुरिंजिनेसिस से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये क्या करेगा, कॉटन को चेंज करेगा, प्रोटीन को, ये दो इंसेक्ट बैक्टीरिया से निकाला गया था, तो ये आपको ज़्यादा रेसिस्टेंट बनाएगा, बेहतर तरीके से काम कर पाएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लीजिए। आगे जो पिछले साल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हेरिटेज हीरो अवार्ड, ठीक है। तो हेरिटेज हीरो अवार्ड पहली बार किसी एशियन को मिला है, हेरिटेज हीरो अवार्ड। तो और किस एशियन को मिला है, दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलता है ये, जो कि जिन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को कंजर्व और प्रोटेक्ट किया है लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन का सामना करते हुए भी, मतलब जान जाने का जोखिम लेकर इन्होंने किया। तो ये इंसान है विभूति लाखर, पहले एशियन है असम से, विभूति लाखर, सॉरी। तो विभूति लाखर पहले ऐसे शख्स है जिनको एशिया में ये मिला है और असम के हैं। इन्होंने काम किया कि इन्होंने मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और रॉयल मानस नेशनल पार्क जो भूटान में है, सॉरी ये नेशनल पार्क हो चुका है, मानस नेशनल पार्क जो इंडिया का है और जो भूटान का है, दोनों में काफ़ी कनेक्ट करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाया, और जो टाइगर कंजर्वेशन है उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। तो कौन सा अवार्ड मिला, हेरिटेज हीरो अवार्ड कौन देता है, IUCN देता है, किसको मिला है, विभूति लाखर को मिला है और असम के है वो। अब देखते हैं मानस के बारे में मिला है, तो मानस नेशनल पार्क कहाँ है, ये देखिए ये हमारा मानस नेशनल पार्क है। अब खास बात ये, थोड़ा सा असम में है, थोड़ा सा भूटान में है। यहाँ रॉयल वाला है जो कि भूटान का है और ये इंडिया का। तो ये अगर आपको कभी ऑप्शन दिया जाए कौन सा नेशनल पार्क है जो इंडिया से लेकर भूटान तक फैला हुआ है, दो देशों के बीच फैला हुआ है, जहाँ से एक नदी बहती है, यहाँ से मानस नदी बहती है। और देखिए असम में ऑलरेडी बहुत सारे नेशनल पार्क है, काजीरंगा हो गया, बोमाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, तो गुवाहाटी के पास ही, तो पास नहीं मतलब कुछ 400-500 किलोमीटर के आसपास, 300 किलोमीटर रीजन के अंदर ही आता है ये मानस। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं मानस में हम क्या देख सकते हैं, मानस में देखिए मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मैंने बताया, एक उसका माइक्रोस्कोपिक विजन देखते हैं, ये रहा आपका मानस, भूटान से लेके यहाँ तक फैला हुआ है। इसमें आपके एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, ये रहा आपका ओरांग नेशनल पार्क, लखवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपकी मानस नदी यहाँ से क्रॉस करते हुए आ रही है, देखिए ये यहाँ से मानस आती है, तो एक नदी के किनारे बसा हुआ ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क कह सकते हैं, सो असम में अंदर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दो स्पीसीज हैं जो नई नई मिली हैं, ठीक है। एक है ओक्टोहोना सिकमारिया जो कि है पीका सीरीज, ये एक पीका है, ठीक है। पीका को याद कैसे करेंगे, तो पीका को याद कर सकते हैं पिकाचू, पिकाचू फेमस कार्टून सीरीज है जापान की, पिकाचू सोचिए, पिकाचू से पीका याद रहे, नया प्रजाति मिली है, नई जी नई उसकी मिली है पिकाचू, जो कि सिक्किम में मिली है और उसका नाम है ऑक्टोहोना सिकामारिया। ऐसे क्वेश्चन पहले आते थे प्री में, तो हमें पता नहीं इस बार आएगी नहीं आए, पिछले साल तो बहुत सारे करंट अफेयर क्वेश्चन आए थे और उससे पहले इन्वायरमेंट के 12-13 क्वेश्चन आए थे। तो इन्वायरमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या नाम है पिकाचू का, पिकाचू की नई स्पीसीज है, पीका की नई स्पीसीज है ऑक्टोहोना सिकामारिया। देखिए ये है पिकाचू, क्या है कि चूहा है जिसके दांत नहीं है, जो ये फोटो से देखो, इट्स इज रैट विदाउट टीथ। तो ऐसे आप याद कीजिए, पिकाचू की नई स्पीसीज मिली है, कहाँ मिली है, सिक्किम के पहाड़ों मिली। दूसरी बात, ये हमारे कुंगफू पैंडा, इनको IUCN ने कहा है कि अभी ये वल्नरेबल हो चुके हैं एंडेंजर्ड से, मतलब जो कैटेगरी की लिस्ट है उसमें अभी नीचे आ चुके हैं। दो चीज़ें हैं, तो क्या क्या है, पीकू पीकू की नई स्पीसीज है, कहाँ मिली, असम में, नाम क्या, ऑक्टोना सिकामारी, और जो हमारा जायंट पैंडा है वो अब वल्नरेबल कैटेगरी में आ चुके हैं। नेक्स्ट में जाते हैं वाइल्ड लाइफ, जो मानस का, सॉरी मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको कामरूप सेंचुरी भी कहते हैं, इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पर फिर भी ध्यान रखिए कामरूप सेंचुरी कहाँ है, तो मानस को एक कामरूप सेंचुरी कहते हैं। और कहाँ पर है, ईस्टर्न बंगाल मानस रिवर पर है, जो हम पहले देख चुके हैं मैप में। इसका सदर्न पार्ट जो है वो ग्रास लैंड है, इसके वाइल्ड लाइफ में एलिफेंट, बिशन, डियर, गोल्डन लंगूस, ब्लैक बियर्स, वाइल्ड पिग्स हैं। देखिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर रेनोसॉरस है और यहाँ एलिफेंट्स है। देखिए तो अगर आपको कभी ऑप्शन में आए जहाँ पर कुछ जानवर मिलते हैं तो कुछ ध्यान दीजिए, रेनोसॉरस की जब बात होती है मतलब गेंडे, तो रेनोसॉरस मतलब गेंडे, तो वो असम में ही मैक्सिमम होते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ है दुनिया में, इंडिया में एटलीस्ट, काजीरंगा, ठीक है। और एलिफेंट्स हैं यहाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, उस रीजन में सिर्फ एलिफेंट्स ही पाए जाते हैं, डियर, टाइगर और गोल्डन लंगूर सब वहाँ मिलते हैं। ध्यान रखिए ये सेंचुरी 1973 में टाइगर रिजर्व इस्टेब्लिश किया गया था यहाँ, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा 1985 में दिया गया। अब देखिए आपको तीन चीज़ें पता चल चुकी हैं मानस नेशनल पार्क के बारे में, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कब मिला, 1985, ठीक है, टाइगर रिजर्व 1973, ये सब इसमें हो चुका है, इसके पास से मानस नदी बहती है, ठीक है, ये इंटरनेशनल पार्क कह सकते हैं इसको, इंडो भूटान है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक साथ याद रहेगी। अब यहाँ से क्या मिला, वर्ल्ड हेरिटेज हीरो अवार्ड, हेरिटेज हीरो अवार्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक साथ कहीं अब रखेंगे तो आपको याद रहेगी, कनेक्ट डॉट करने के साथ। अब देखिए
तो एनवायरनमेंट इतना ही किया है। अब अगला टॉपिक हम बाद में उठाएंगे, मंथली जाएंगे, ज़्यादा एक साथ करने से फ़ायदा नहीं है, रिवाइज होता रहेगा, एक बार मंथली उसको रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक, जो हम डिफेंस कर रहे थे हमारा पिछले हफ्ते, पिछले हफ्ते कह रहा हूँ कल। तो हमने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का डिफरेंस देखा था कि क्रूज मिसाइल गाइडेड होती है, प्रिसिशन ज़्यादा हाई होता है और सीधा जाती है, मतलब जो लोकेशन उसको स्ट्राइक करती है। जो बैलिस्टिक है जाती है पहले, फिर ग्रेविटी के साइड से नीचे गिरती है, मतलब उसको आप टारगेट करके नहीं डालते हैं। जो बैलिस्टिक जो क्रूज मिसाइल है वो सीधा फास्ट होती है काफ़ी ज़्यादा, और सीधा जाके प्रिसिशन पे हिट करती है, जैसे ब्रह्मोस हो गया, ये आपकी क्रूज मिसाइल है। बैलिस्टिक हो गई अग्नि, या फिर वो मिसाइल जो बेलिस्ट करती है, प्रोजेक्टाइल करती है, मतलब एक पॉइंट तक आप उसको गाइड करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। भाई इतनी ज़्यादा तबाही मचती है कि आपको उसको आखिर तक गाइड नहीं करना पड़ता। तो देखिए सबसे पहले इसमें एक छोटा सा मिसाइल है जो हम देखते हैं, प्रहार। प्रहार मतलब करता है हिट करना, हिट, प्रहार करेंगे किसी पर, ठीक है। प्रहार सरफेस टू सरफेस है, ठीक है। प्रहार एक गाइडेड शॉर्ट रेंज टेक्टाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल मतलब जो मैंने आपको बताया, टेक्टाइल मतलब शॉर्ट कम यूज। टेक्टाइल मतलब जैसे आपको 390 या 200 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 35 किलोमीटर कुछ एरिया है, जैसे आप यहाँ हैं, ठीक है, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर पर कोई जगह है जिस पर आपको हमला करना है। तो आप यहाँ ऑफकोर्स अग्नि मिसाइल तो नहीं छोड़ेंगे, या फिर यहाँ ब्रह्मोस तो नहीं डालेंगे, तबाही मचा देगा। तो एक छोटा टेक्टाइल, ठीक है, होना चाहिए जो मिसाइल आप लगाएंगे, तो वो है आपका प्रहार। और इसमें ओमनी डायरेक्शनल वॉरेंट है, सभी डायरेक्शन में ये हमला करता है, मतलब आपने मारा और जैसे यहाँ अगर ये गया, तो यहाँ अगर ये फटा तो हर डायरेक्शन में जाएगा ये, ठीक है, ब्लास्ट करने के बाद। तो ओमनी डायरेक्शनल है इसके वॉरहेड्स, और ये प्रगति का, इसका एक और वेरिएंट है प्रगति, जो प्रहार का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है, ठीक है, फ्लाइट एल्टीट्यूड 35 किलोमीटर है, और स्पीड है इसकी मैक 2.03। मतलब देखिए स्मॉल रेंज की टेक्टाइल मिसाइल है। बात याद करनी है क्या, प्रहार, उसका एक्सपोर्ट वर्जन प्रगति, और ये गाइडेड शॉर्ट रेंज टेक्टाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। किस किस चीज़ के लिए काम आएगी, स्ट्रेटेजिक टारगेट को हिट करने के लिए, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कह सकते हैं नहीं है, पर क्या पता आ जाए। तो प्रहार और प्रगति। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा धनुष, ये मिसाइल भी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रहार, तो अगर आप इसको कंटेन करें तो एक आप मूवी से याद कर सकते हैं, जैसे प्रहार था, तो मैं आपको कहूँगा प्रहार आपको याद करना है, तो एक काम आप कर सकते हैं, प्रहार को आप याद करिए नाना पाटेकर, ठीक है, उसकी एक मूवी थी, उनकी मूवी काफ़ी अच्छी है, तो आप उससे याद कर सकते हैं। प्रगति, प्रगति मैंने आपको कल बताया था, एक ऐप भी है गवर्नमेंट की, ठीक है, जिससे गवर्नमेंट चेक करती है किसने लेवल तक ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, चेक करती है, का यूज़ करते हुए गवर्नमेंट प्रेमिस से सीधा बात करते हैं लोगों से कि क्या आपके प्लान्स चल रहे हैं, कमिटीज़ और ब्यूरोक्रेट से कैसे क्या चल रहा है। तो प्रगति से आप जुड़िए, मिसाइल भी है प्रगति, एक सिस्टम है, इसके थ्रू गवर्नमेंट सीधा अकाउंटेबल बनाती है लोगों को। प्रहार नाना पाटेकर की मूवी भी एक मिसाइल भी है। उसी प्रकार से धनुष, ये भी एक एक्टर हैं, अगर आपने रांझना फिल्म देखी है तो आपको याद रहेंगे ये, या फिर वैसे ही साउथ की बहुत सारी फिल्में की हैं इन्होंने, काफ़ी फेमस है। तो धनुष नाम से भी एक मिसाइल है, धनुष, फिर आप राम का धनुष, किसी का अर्जुन का धनुष, जो भी आप मेंटल नोट ले लें। अब धनुष क्या, सरफेस टू सरफेस या शिप टू शिप मिसाइल है। देखिए पृथ्वी 3 मिसाइल का एक डेवलप्ड वेरिएंट है इंडियन नेवी के लिए, जो कि न्यूक कैपेबल है, न्यूक्लियर कैपेबल है। तो ये देखिए शिप पे होगा और शिप टू शिप अटैक करेगा, सरफेस टू सरफेस अटैक करेगा। देखिए पृथ्वी मिसाइल जो थी सबसे पुराने इंडिया का मिसाइल सिस्टम था, इसमें 4-5 स्टेडीज में डेवलप हुए, तो उसमें से एक है धनुष। धनुष क्या करता है, बिल्कुल धनुष का काम करता है, ठीक है, आप मारेंगे, और इसका रेंज 350 किलोमीटर तक की रेंज है, शॉर्ट रेंज है, न्यूक कैपेबल है। तो आप शिप पे लगा दिया इसको और अटैक कर दिया दूसरे शिप को और तबाही मचा दी, ये पृथ्वी की खास बात है, बैलिस्टिक मिसाइल है। और लैंड टारगेट को भी उड़ा सकती है, एंटी शिप भी कर सकती है, जो बताई। तो देखिए याद कैसे करेंगे, धनुष साउथ इंडिया का हीरो क्या करेगा, सरफेस टू सरफेस मारेगा, शिप टू शिप मारेगा, शिप पे लोडेड होगा तभी शिप टू शिप मारेगा, शॉर्ट रेंज है, बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट डेविल। अब प्रोजेक्ट डेविल की बात आती है, तो पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी मतलब अर्थ। अब पृथ्वी मिसाइल को इंडिया ने 1983 से 3 स्टेज में डेवलप किया था, जो कि सरफेस टू सरफेस है पृथ्वी मिसाइल, नाम से ही पता है, अर्थ पृथ्वी, पृथ्वी टू पृथ्वी जाएगी। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 150 से 600 किलोमीटर की रेंज है, पृथ्वी 1, पृथ्वी P1, P2, P3, तीनों तीनों की अलग अलग रेंज है। तो आप पृथ्वी को थोड़ा ऑब्सोलीट मान सकते हैं कि अब इंडिया ने ज़्यादा हाई फाई बैलिस्टिक मिसाइल्स बना लिए, पर हमने कितने किए अभी तक, सॉरी, पृथ्वी, धनुष, प्रगति। प्रगति क्या था, प्रहार का एक्सपोर्ट वेरिएंट था, ठीक है। याद कैसे होगा, याद होगा आप किसी चीज़ से कोरिलेट कीजिए, पृथ्वी, पृथ्वीराज चौहान से कोरिलेट कर दीजिए। देखिए पृथ्वीराज चौहान से कोरिलेट कीजिएगा, पृथ्वी मतलब धरती होता पता ही है, तो मैंने इसको पृथ्वीराज चौहान से इसलिए कंपेयर किया कि पाकिस्तान ने एक मिसाइल बनाई थी गौरी,
जिसने कि अटैक किया था पृथ्वीराज चौहान पे, तो वो थोड़ा कम्युनल एंगल हो गया, पर पाकिस्तान की विचारधारा यही है, क्या करें। आगे देखते हैं, एक बहुत ही भयंकर मिसाइल है ये सागरिका K-15, के सीरीज या फिर इसको कह सकते हैं कलाम सीरीज की मिसाइल है ये, ठीक है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति और न्यूक्लियर साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम की और के नाम पर इसको रखा गया था के सीरीज, और ये न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर मिसाइल है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, और 750 किलोमीटर इसकी रेंज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया को न्यूक्लियर टैरेट बनाने में सफल करती है। न्यूक्लियर टैरेट मतलब क्या होता है, 1, 2 और 3, न्यूक्लियर टैरेट मतलब अगर आप एक ऐसा देश है जिसकी सेकेंड हिटिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, अगर आप न्यूक्लियर पावर है तो सेकेंड हिटिंग कैपेबिलिटी मतलब न्यूक्लियर ट्रायड, तीन जगह से आप न्यूक्लियर अटैक कर पाए, लैंड, एयर और वाटर से। लेट से आपके सारे लैंड बेस्ड मिसाइल्स हैं, अग्नि है इंडिया के पास, किसी ने अटैक किया सारी अग्नि उड़ गई, तो इंडिया आप दोबारा उस देश पे कैसे अटैक करेगा। इसके लिए इंडिया का एक न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन होना चाहिए, ठीक है, जो कि कहीं पे बेस्ड है भाई, कुछ हुआ हम पानी के अंदर से मार देंगे। एक हवा में होना चाहिए बॉम्बर्स, तो इंडिया के पास कई सारे हैं, ठीक है, सुखोई हो गया या फिर मिराज भी शायद कर सकता है। तो बाय एयर, लैंड एंड वाटर हमारी कैपेबिलिटी ऐसी है कि हम न्यूक्लियर ट्रायड है, तीनों तरह से अटैक कर सकते हैं, तो हमारा सेकंड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। दुनिया के 4-5 देशों के पास ही सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, पॉइंट टू बी नोटेड, पाकिस्तान के पास अभी तक नहीं है, ठीक है, नॉट पाक। किसके किसके पास है, इंडिया ऑफकोर्स, रशिया, चाइना, अमेरिका और आई थिंक फ्रांस के पास है शायद, हाँ फ्रांस के पास है, तो ये 4-5 देश हैं बस इनके पास, इसराइल का ऑफकोर्स क्लियर नहीं है कुछ। तो देखिए सागरिका K-15 है, सागरिका का जो लैंड वर्जन है वो शौर्य है, ठीक है, तो अभी बन रहा है ये। तो न्यूक्लियर कैपेबल लॉन्ग अंडर वाटर मिसाइल कौन सी है, सागरिका K-15, ये लगती किसमें है, अब देखिए सबमरी मिसाइल है, कहीं लगेगी अरिहंत में लगेगी, इसके बाद इंडिया न्यूक्लियर कैपेबल हो चुका है इन टायरेड, लैंड वर्जन है। अब एक छोटी सी मिसाइल है त्रिशूल, सरफेस टू एयर मिसाइल थी जिसको इंडिया ने डीलिंक कर दिया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत पुरानी मिसाइल थी, इसको 2008 से ही शायद हटा दिया गया था कि सिर्फ इसको कंपनी वो, तो एक बस ध्यान रखने के लिए त्रिशूल क्या है, सरफेस टू, त्रिशूल मतलब आप शिवजी का त्रिशूल याद कर लीजिए, ये आपका त्रिशूल है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, एरो से समझ लीजिए। और सागरिका K-15 है, के सीरीज बेसिकली न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स ही है सारी की सारी, के सीरीज में सागरिका है, शौर्य है, दो है जो इंडिया को न्यूक्लियर टारगेट बनाते हैं। अब आगे देखते हैं जो हमारी सबसे फेमस बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि, जो मेन स्टे है हमारा इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज है इसका, मीडियम टू इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब पहले शुरू के जो थे मीडियम रेंज के थे, फिर इंटर कॉन्टिनेंटल भी डेवलप हो गई जो कि 6,000 किलोमीटर से ऊपर तक की है इंडिया के पास, अभी अग्नि 6 डेवलप हो रही है, न्यूक्लियर कैपेबल है, बैलिस्टिक है और मेन स्टे है, मतलब इसी पर इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम लगभग इसी पर बेस्ड है, क्योंकि इसके बिना सब बेकार ही हो जाएगा, चाइना फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, पूरा चाइना और लगभग हाफ ऑफ यूरोप हम कवर कर चुके हैं बाय अग्नि सीरीज। अग्नि सीरीज की रेंज देखते हैं, अग्नि 1 700 किलोमीटर की रेंज थी सिंगल स्टेज, अग्नि 2 2,000 किलोमीटर, अग्नि 3 3,000 3,500 किलोमीटर, अग्नि 4 2,500 से लेके 3,000 किलोमीटर, अग्नि 5 5,000 किलोमीटर, 3 स्टेज सॉलिड प्रोपोलेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है उतना भी नहीं, पर आपको पता ही होगा भाई, छठा है 6,000 का है, पाँचवा 5,000 तक का है, चौथा है 2,500 से 3,000 तक की रेंज है, और ये न्यूक्लियर कैपेबल। अब देखिए अग्नि 5 जो लॉन्च की थी इंडिया ने कितनी ज़्यादा खतरनाक है, अब अग्नि 5 जो लॉन्च हुई थी तो ये न्यू दिल्ली है, अगर हम रेडियस लेते हैं तो तेहरान, इराक, दार एस सलाम, बीजिंग को उड़ा सकती है, हांगकांग को उड़ा, शंघाई, मॉस्को तक जा सकती है, पर इसके बाद क्या है, लंदन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC हम नहीं अटैक कर सकते, पर हम पूरा चाइना कवर करते हैं, रसिया रशिया तक पहुंच सकते हैं। तो अग्नि 5 की मैक्सिमम रेंज 5,000 किलोमीटर जो आप दिखाती है, 50 टन की है अग्नि 5, 60 फिट की है, 5,000 किलोमीटर की रेंज है, स्पीड 6,000 किलोमीटर की स्पीड है, ओके, और 2014 से ऑपरेशनल यूज में। देखिए सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वो है अमेरिका के पास 13,000 किलोमीटर, मतलब कि इसके पास इतनी मिसाइल्स है कि आप कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं, स्ट्राइक दे कैन स्ट्राइक एनी वेयर, ठीक है, 13K। उसके बाद चाइना है जिसके पास 12,000 है, इसके बाद UK है जिसके पास 11,000 है। अब देखिए UK हालांकि नहीं माना जाता, एक स्ट्रेंग डिफेंस पावर नहीं माना जाता, फिर भी उसके पास ऐतिहासिक रूप से इतने मिसाइल्स हैं, रशिया है, फ्रांस है और इंडिया है और पाकिस्तान है, और इंडिया एक सूरी सीरीज बना रहा है जिसे कहते हैं कि ये एक हाई प्रोफाइल मिशन है जिसको अभी तक गवर्नमेंट नहीं काम बना रहे हैं नहीं, पर हम मान सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा बना रही है, जो कि एक इंटर कॉन्टिनेंटल 11,000 किलोमीटर की मिसाइल होगी, तो उसके उसको टेस्ट करने के बाद इंडिया चाइना और अमेरिका की रेंज में आ जाएगा।
तो अब देखते हैं हमारी मिसाइल रेंज और दुनिया की मिसाइल रेंज कैसी कैसी स्टैक करती है, मतलब कहाँ कौन है, किस हिसाब से है बैलिस्टिक्स के क्षेत्र में। देखिए अग्नि 5 जो 5,000 किलोमीटर की है, तो और चाइना की देखिए, चाइना की DF-31 ओवर 10,000, DF-5A 13,000। तो ऑलमोस्ट इनका देखिए कम चैलेंज कहाँ से आता है, चाइना वर्स चाइना विज अवेज अमेरिका, ठीक। और हमारा जो है वो हमारा जो मेन थ्रेट है वो दो जगह से है, एक चाइना से, ठीक है, और एक हमारा पाक से। तो पाक की रेंज तो बहुत कम है, पाक का मैक्सिमम रेंज शाहीन टू की बात चल रही है, पर शाहीन आई थिंक 2,000 किलोमीटर ज़्यादा इनकी रेंज नहीं है, 2K मैक्सिमम रेंज है, पाक के पास 2K की रेंज है, ठीक है। और पाक को इंडिया पर ही अटैक करना है, तो इंडिया को लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना है और यहाँ भी ध्यान रखना है। सूरी सीरीज बन रही है, अग्नि 6 भी बन रही है, तो अग्नि 5 यहाँ, और चाइना से तो हम बहुत पीछे हैं अभी, पर ये इंडिया का बेसिक मिसाइल प्रोग्राम है। तो अब देखते हैं इंडिया का न्यूक प्लेटफॉर्म जो है, जहाँ मैंने आपको कहा तीन चीज़ें थी, एक थोड़ी देर पहले बात की थी न्यूक्लियर ट्रायड की, मतलब त्रिकोण बना के आप तीन जगहों से हमला कर सकते हैं। तो इंडिया के लिए उसके पास प्लेटफॉर्म होने चाहिए, आप कहाँ से अटैक करेंगे। देखिए ये तो शायद पुराना था थोड़ा, फिर भी मैंने डाल दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए, मिराज और जगवार की बारिश नहीं की थी यहाँ। यहाँ देखिए मिराज और जगवार जो एयर से आप अटैक कर सकते हैं, ठीक है। अब तो इंडिया के पास रफाले है और Sukhoi-35 है। तो देखिए ये पृथ्वी 1 है, ये पूरा रेंज है आपका जो कि लैंड से अग्नि सीरीज है, और सी बेस धनुष और सागरिका 2 आपके पास हैं, जो यहाँ अंडर डेवलपमेंट बता रहे हैं पर अभी कमीशन हो चुके हैं। तो ये आपके न्यूक्लियर टायरेट के पार्ट्स हैं। तो देखिए आज कुछ था नहीं हमारे पास ज़्यादा, हमने कोशिश की जितना किया जा सकता कवर करने की, और कल से देखेंगे। देखिए आज हिंदू में कुछ था नहीं, आई में भी कुछ खास नहीं था, PIB में भी नहीं था, तो तीनों चीज़ें हमने लगभग ऑलमोस्ट कवर कर लिए। अब आगे कल हम देखते हैं क्या होता है, आज के लिए इतना ही, थैंक धन्यवाद इसको देखने के लिए, और आगे हमारे वीडियोज जारी रहेंगे। थैंक यू।